बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज फिर मैं एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं मेरी आज की रेसिपी क्या है और मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी तो मेरे पास आप देख रहे हैं हर चीज़ ग्रीन ग्रीन है, तो आज की रेसिपी ही ग्रीन है। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है, सर्दियों के हवाले से है और आप सबको पसंद है, इसी हवाले से मैंने ये रेसिपी चूज़ की है और आज मैं आपके लिए स्पेशल यही रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर शेयर और लाइक करेंगे। तो इसके साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इस ग्रीन रेसिपी का नाम है हमारा देसी साग। तो साग बहुत मज़े से खाया जाता है और फुल सर्दियों में इसको इंजॉय किया जाता है। हर तीसरे चौथे दिन लाजमी इसकी डिमांड होती है। तो सर्दियों की स्टार्टिंग है और साग का सीज़न आ चुका है, तो इसी हिसाब से अब मैं बनाती हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैंने ये सरसों का साग लिया है, यानी उसकी गंदले ली थी, उनको मैंने धो के काट लिया है। काटने के बाद फिर दोबारा धो लिया है ताकि अच्छी तरह रेत और मट्टी जो होती है ना पौधों के ऊपर पड़ी हुई उतर जाए। अब ये साग मेरे पास है, ये एक देख रहे हैं एक बड़ा सारा बाउल है, तकरीबन दो किलो साग होगा मेरे पास। और पालक है, दो गुठियाँ थी जिनको मैंने साफ करके धो के काट लिया है। जितना साग है ना उससे आधा हिस्सा मेरे पास पालक है, तो पालक से ये होगा कि इसका टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाता है। उसके अलावा सब्ज़ मिर्चें हैं, टेस्ट के मुताबिक डालनी है जितनी आप लोगों को मिर्चें पसंद होती हैं, तो सब्ज़ मिर्चों का यूज़ इसमें बहुत ज़बरदस्त रहता है। उसके अलावा धनिया है, धनिया भी आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी अवेलेबल है, तो इससे ये होता है कि इसके अंदर बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। इसके अलावा मेरे पास है मकई का आटा, यानी सरसों का साग और मकई की रोटी। वाह, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को एंजॉय करने से पहले मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए रेसिपी की जानिब। तो इसके लिए मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, ये आपको फिलहाल साग के हिसाब से छोटा लग रहा है लेकिन इसमें साग एडजस्ट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसके अंदर मैं डालती हूँ आधा कप पानी, तो उसके बाद मैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके सारा साग ऐड कर दूंगी। तो जी मैं इसके अंदर ऐसे करके साग डालती हूँ। पानी मैंने इसलिए डाला है कि जब तक साग ने पानी छोड़ना है ना तो ये नीचे से जल ना जाए। तो मैं इस हांडी के अंदर डालती हूँ, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में ना ऐसी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बनती हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू होती है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मैं इसको फुल भर दूंगी, देखिए मेरा साग आसानी से इसमें पूरा आ जाएगा। जी तो ये मैंने हांडी को फुल कर दिया इस मिट्टी के बर्तन को। जी तो जब स्पेस खाली हो जाएगी इसमें तो मैं बाकी साग और पालक डाल दूंगी इसमें। अभी 5 मिनट वेट करते हैं, ये हीट होना शुरू हो गया है और साग नरम होके नीचे चला जाएगा। तो ये सब्जी ही ऐसी होती है कि इसको इसी तरह पकाया जाता है, आप देख रहे हैं। और पानी डालने की वजह भी मैंने आपको बता दी है कि मैंने आधा गिलास पानी डालना है, आपने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि साग ने पानी छोड़ना है। बहुत ज़्यादा पानी निकलता है जिसको खुश करना बाद में मुश्किल हो जाता है। जी तो सारा साग मैंने इसमें डाल दिया था, इतना बचा आपके? हाँ ये इतना बच गया है। अब मैं इसके अंदर पालक डालने लगी हूँ, तो ये मुश्किल से ही तसव्वुर के लिए बनेगा साग, इसलिए किसी को देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। ये है कि सर्दियों में बहुत आसानी रह जाती है कि ये नहीं सोचना पड़ता कि आज पकाएं क्या, आराम से साग बनाया, फ्रीज करके रख दिया, 3-4 दिन खाया, फिर 3-4 दिन का गैप दे दिया, फिर 3-4 दिन बाद दोबारा खा लिया। तो आप लोग भी बना के रखें, पूरी सर्दियों में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और आप लोग ईजी भी रहेंगे। तो अब मैंने इसके अंदर पालक डाल दी है, ये पालक भी नीचे चली जाएगी। आपने पहले देखा है कि कैसे हांडी एकदम से आधी हो गई थी। उसके अलावा ये सब्ज़ मिर्चें हैं, 20 से 25 सब्ज़ मिर्चें थी जो मैं इसमें डालूंगी, तो ये भी इसमें डाल देती हूँ। ऐसे थोड़ा सा दबाया है मैंने और फिर डाल दिया है। ये सब्ज़ धनिया है, तो मेरे पास अदरक और लहसुन है, ये लाजमी आपने डालना है, इससे साग बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और हज़म होने में भी ज़बरदस्त रहता है। तो अदरक है मेरे पास 3 से 4 टुकड़े हैं और लहसुन है 7 से 8 जो है, तो मैं ये इसके अंदर डाल देती हूँ। इसको मैं कवर कर दूँगी और ये अब पकता रहेगा। इसका ये है कि इसके जलने का ख़तरा नहीं होता क्योंकि ये बहुत पानी छोड़ता है।
जी, तो ये पकता रहेगा, ये अभी ढक्कन ऊपर ऊपर है साग की वजह से, तो ये एकदम से नीचे हो जाएगा। तो आप मकई की रोटी बनाने लगी हूँ, उसके लिए मैंने उसका आटा गूंदना है, तो आटा गूंदने का तरीका बता दूँ कि आपकी रोटी ज़बरदस्त बने। तो उसके लिए मैंने एक प्याली मकई का आटा लिया है, उसमें उसका चौथा हिस्सा डालना है। ये मेरे पास ज़्यादा है, इसमें से मैं आधा डालूंगी, यानी ये मकई का आटा है, इसका चौथा हिस्सा दूसरा गंदम का आटा डालना है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो। तो ये देखिए मैंने इसका चौथा हिस्सा ऐड कर दिया। उसके अंदर मैं अब नमक ऐड करने लगी हूँ हसबे ज़रूरत। तो अब इसको गूंद लेंगे, पहले थोड़ा सा मिक्स करती हूँ इसको। आटा आपने खालिस आटा लेना है मकई का, क्योंकि अक्सर होता है कि उसमें गेहूं का आटा मिला हुआ होता है तो फिर टेस्ट सही नहीं आता। अब मैं इसको गूंद लेती हूँ। जैसे हम गंदम का आटा गूंदते हैं ना, ये आटा भी वैसे ही गूंदेगा, बस जो आपको मैंने इसकी क्वांटिटी बताई है आपने उसी हिसाब से रखनी है, तो आपकी रोटी ज़बरदस्त बन जाएगी। तो इसको मैं अच्छी तरह गूंद लेती हूँ जैसे गंदम का आटा गूंदते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको चेक करते हैं, पानी खुश्क हो चुका है इसका, ये देखें अंदाजे के मुताबिक मैंने चेक किया है इसका, जब पानी खुश्क हो गया थोड़ा पानी रह गया है। और अब मैं इसको घोट लेती हूँ। घोटने के लिए मैंने ये वाला मदना इस्तेमाल किया है, जिसको ये मदना कहते हैं। तो इसके साथ मैं इसको अच्छी तरह यूँ करके ना ऐसे, ये अदरक वगैरह इसके अंदर जो फिरती है ना, ये खुद ही मैश हो जाएगी। यूँ ना ऐसे करते रहते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि भाई यूँ दोनों हाथों से ना थोड़ा सा दबाव भी रखते हैं और ऐसे करके घुमाते रहते हैं, ये फिंगर्स की मदद से ना, ज़्यादा भी दबाव नहीं डालना कि ये लकड़ी का बर्तन टूट जाए। अगर लकड़ी का बर्तन नहीं है तो आप किसी भी बड़े बर्तन में रख सकते हैं, स्टील के या सिल्वर के। तो जी ये साग रेडी होने के तकरीबन मराहिल में पहुंच चुका है, और थोड़ा सा टाइम मज़ीद लगेगा, उसके बाद साग रेडी है जी। तो ये अच्छी तरह मैश हो चुका है, मैश करने पे काफ़ी टाइम लगा है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद अब मैंने इसमें शामिल करनी है मेथी, अगर फ्रेश मेथी नहीं है तो आप ये सूखी मेथी भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं ये इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही मेरे पास नमक है, नमक मैंने पहले शामिल नहीं किया, आपको पता है पालक होती है और ये साग ऐसी चीज़ें हैं जिस पे एंड पे नमक शामिल करना चाहिए ताकि हमें टेस्ट का पता लग सके। तो अब मैं ये इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नमक, हसबे ज़रूरत है, वैसे जितना मैं शामिल कर रही हूँ एक बड़ा चम्मच नमक है। अब इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मज़ीद मैश कर लूँगी इसको, ये हमारा देसी स्टाइल है मैश करने का, और ज़्यादातर यही स्टाइल अपनाया जाता है मैश करने के लिए, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट भी आता है और इसका कलर भी सही रहता है जी। तो मैं इसको मैश कर रही हूँ, इसमें मैंने सब्ज़ मिर्ची शामिल की थी, तो आप लोग भी सब्ज़ मिर्ची शामिल करें, सूख मिर्चों से इसका टेस्ट सही नहीं आता जी। तो साग रेडी हो चुका है, अब इसका मैंने तड़का लगाना है। तो तड़के के लिए आपको मैं बताऊंगी कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जी। तो अब साग के लिए तड़का रेडी हो रहा है, उसके लिए मैंने बटर लिया है, ये एक पीस मैंने बटर का डाला है। इसको मेल्ट कर लेते हैं अच्छी तरह, अगर बटर नहीं है तो आप आम ऑयल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं तुड़के के लिए। बटर मेल्ट हो चुके हैं, मैं इसमें थोड़ा सा प्याज डालती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें, आधे से भी आधा प्याज है। तो इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। हल्का हल्का इसको पका लेना है जी। तो ये नरम हो चुका है और इसमें से खुशबू भी आने लग गई है। अब मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ हरी मिर्चें और टमाटर। तो आधा टमाटर लिया है, तीन हरी मिर्चें ली हैं, काट ली हैं मैंने, ये दोनों एक ही साथ शामिल कर देते हैं। जी तो आधा चम्मच सूख मिर्च शामिल करूँगी। आधा चम्मच सूखा धनिया। एक चुटकी गरम मसाला पिसा हुआ। तो इनको भी मिक्स करेंगे। ये देखें ये मसाला रेडी हो चुका है तड़के के लिए।
यहाँ पे आप सब धनिया ऐड कर सकते हैं, मेथी भी ऐड कर सकते हैं इसमें अगर आपने पहले नहीं डाले तो। टमाटर भी मैश हो चुके हैं और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर साग ऐड करती हूँ। ये मैंने साग निकाल लिया था तो अब मैं इसको डालती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साग ऐड करने लगी हूँ मैं। नमक हम बाद में चेक करेंगे क्योंकि हमने साग में डाला है तो ये ना हो के ज़्यादा हो जाए। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी। चार से पाँच मिनट इसको पकाना है अच्छी तरह कि ये मसाले के साथ मिक्स हो जाए। तो इसके बाद ये ज़बरदस्त साग रेडी हो चुका होगा और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं इसे हिलाती जाती हूँ, आपने देखना है कि ये किस सिचुएशन में मैं इसको पका के रखती हूँ, यानी चूल्हा इसका बंद करूँगी। तो आपने नोट करना है, ये ना हो कि फिर आपको टेस्ट सही ना आए, कच्चा टेस्ट है तो फिर आप ये कहें कि भाई सही रेसिपी नहीं है। आप लोग ध्यान से देखें, बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत मज़े का आता है। आपको पता है सीज़न का आगाज़ है, आगाज़ में इतनी बड़ी ज़बरदस्त चीज़, मज़े की चीज़ मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आता है खाना खाने में। और मुझे पता है कि ये सबका फेवरेट होता है। तो अब ये आसान तरीका है, आप लोग इसे घर में भी पका सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूँ, आपने साग को कुकर में नहीं रखना, कभी भी नहीं रखना। ये होता है कि उसकी सीटी में जाके इसका कोई पत्ता फंस सकता है जो डेंजरस साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। जी तो सरसों का साग रेडी हो चुका है, तो मैं आपको दिखा दूँ मैंने किस तरह रखा है। ये देखें, इतना आपने सख्त करना है इसको, यानी इतना कुक करना है कि ये इस तरह हो जाए। तो अब मैं इसे अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो मिट्टी की हांडी में तैयार किया है तो मिट्टी के बर्तन में ही सर्व करूँगी। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा साग तैयार है। अब मैं तैयार करूँगी मकई की रोटी। जी तो मकई का आटा मैंने गूंद के रख लिया था, अब मैं इसको उठाती हूँ। जी तो इस तरह मैं इसका छोटा सा पेड़ा बना लूँगी। आराम आराम से करना है कि ये टूट ना जाए। तो मैं इसे अच्छी तरह फैला लेती हूँ, ये ज़्यादा पतली नहीं बनाते। ये तो मकई की ज़बरदस्त रोटी रेडी है और साग आपके सामने ही मैंने तैयार किया था। तो अब मैं इसके अंदर बटर रखने लगी हूँ क्योंकि बग़ैर मक्खन के साग का मज़ा नहीं है। तो ये मैंने इसके ऊपर बटर नहीं रखा, मक्खन रखा है क्योंकि साग के लिए मक्खन लाजमी होता है। तो मजाक कर रही थी, तो ज़बरदस्त सा साग रेडी है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर और रखती हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा मक्खन यूज़ करेंगे उतना ही साग का टेस्ट आएगा। तो ये रोटी रेडी हो चुकी है, ये देखिए। ये इसी तरह होती है, थोड़ी सी भारी होती है, मतलब मोटी मोटी पकाई जाती है ताकि ये आसानी से पक जाए। तो ये देखिए, तो इसे आप साग के साथ इंजॉय कर सकते हैं।